हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ पढ़ते हैं एक्सेल डायरी रेसिपी ऑफ आइसक्रीम आर्डर। आज की वीडियो में हम बैंक रिकंसिलिएशन पढ़ेंगे, वो भी एक्सेल में। एसएपी में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बट ये पूरा होगा एक्सेल पे। एक्सेल पे आप बैंक रिकंसिलिएशन किस तरह से कर सकते हो वो हम सीखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और साथ के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जहाँ पर मैं आपको फ्री स्टडी मटेरियल जो भी टेम्पलेट में बनाता हूँ सब कुछ आपको वहाँ प्रोवाइड होगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन होता क्या है। अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है तो 11th क्लास में हम सब ने पढ़ा हुआ है बैंक रिकंसिलिएशन। तो बैंक रिकंसिलिएशन क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ए प्रिपेयर टू रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस शो बाय द कैश बुक एंड पासबुक। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कंपनी अपना एक बैंक अकाउंट खोलती है बैंक में, तो बैंक क्या करती है, पासबुक देती है या उसकी स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड करती है। इसी तरह से हम बैंक की सारी डिटेल हम अपनी कंपनी के अकाउंट्स में भी मेंटेन करते हैं, कि कितना पैसा हमारा बैंक के थ्रू आ रहा है वो हम मेंटेन करते हैं, कितना जा रहा है वो भी हम मेंटेन करते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस आ जाता है हमारी पासबुक और कैशबुक में, जब भी हम उसे रिकनसाइल कर रहे हैं। डिफरेंस किसी वजह से हो सकता है, वो नीचे दिए हुए मैंने, चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट इन द बैंक। सपोज आपने किसी को चेक काट दिया है बट उसने प्रेजेंट ही नहीं किया बैंक में, तो आपने तो एंट्री कर दी, आपने अपना बैंक अकाउंट क्रिएट कर दिया बट वो बैंक से पैसे कटे नहीं, तो ये डिफरेंस आ जाता है। चेक डिपॉजिट और पेड इन टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिट। आपने कोई चेक डाला है, डिपॉजिट किया है बट वो अभी तक क्रेडिट ही नहीं हुआ आपके बैंक में किसी वजह से। तो आपने तो जैसे ही आपको चेक मिला आपने उसे अपने बैंक में क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, आपने बैंक में प्लस कर दिया बट वो बैंक में प्लस नहीं हुए, इस वजह से हो सकता है चेक डिपॉजिट बट डिसऑनर हो गया वो चीज। इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज किया है, या इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट बैंक चार्ज कोई बैंक ने काटा है, ठीक है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर ने कोई आपके अकाउंट में डायरेक्ट जमा कर दिया, आपको पता नहीं है, आपकी पासबुक में तो वो प्लस हो चुका है बट आपकी जो कैश बुक है, जो आपकी कंपनी की बुक है, वो उसमें जमा नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसी इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय, इंटरेस्ट मिला है या कोई डिविडेंड मिला है आपको बैंक में डायरेक्टली, ठीक है। तो कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है हमारी कैश बुक और पासबुक में, तो उसी को हम रिकनसाइल करने के लिए बैंक, जैसे मैंने इस एग्जांपल में लिया है, मेरे पास एक कंपनी की कैश बुक है और बैंक की स्टेटमेंट है मेरे पास, ठीक है। मैंने 15 डेज की स्टेटमेंट ली है, लाइक 1st of July से 15th of July की पूरी स्टेटमेंट है मेरे पास। आपके पास बैंक प्रोवाइड करता है ये स्टेटमेंट, बैंक प्रोवाइड करेगा, उसको आप एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ही मेरे पास एक्सेल में, जैसे आपका कोई भी सॉफ्टवेयर हो, टैली है या वट एवर, आप उसको एक्सेल में कन्वर्ट कर लीजिए तो आपकी इस तरह की एक्सेल में रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब हमें दोनों को कंपेयर करना है, दोनों के बैलेंस को मैच करना है कि कौन सी ट्रांजेक्शन हमारे कैश बुक में नहीं है, कौन से हमारे बैंक बुक में नहीं है। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब हम रिकंसिलिएशन करते हैं, किस तरह से करते हैं, ठीक है। रिकंसिलिएशन करने के लिए ये मैंने बनाया हुआ है, जैसे ये फॉर्मूला लगाया हुआ है, बैलेंस हमारा 1 जुलाई को इतना है 50,000, उसके बाद हमने क्या फॉर्मूला लगाया है, बैलेंस प्लस डिपॉजिट माइनस विड्रॉ, ठीक है। इसका हमने फॉर्मूला लगा दिया है और इस तरह से हमने पूरी, देखिए हमारी कंपनी की बुक के अकॉर्डिंग कितना बैलेंस हो रहा है, 32,000, ठीक है। बट यही बैलेंस हम बैंक स्टेटमेंट में देख रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट में शो रहा है 28,500 रुपीज, ठीक है। डिफरेंस है ना दोनों में, अब डिफरेंस क्यों है उसी को हमें रिकनसाइल करना है। तो सबसे पहली एंट्री हम चेक करेंगे, 1st of July को ATM से हमने विड्रॉ करे हैं 5,000 रुपये कैश में, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 4 जुलाई को ATM से विड्रॉ है, ठीक है। तो यहाँ पर रिकंसिलिएशन की डेट डाल देंगे हम 4 जुलाई, ठीक है, हो गई। इसे आप कलर भी कर सकते हो अगर आपको भी कलर करना है, तो नहीं करना चाहते तो डेट आपने डाली दी है, ठीक है। उसके बाद 6 जुलाई को हमने एक सैलरी पे करी है चेक के थ्रू, चेक नंबर है 216, ठीक है, 20,000 रुपये। अब यहाँ देखते हैं, अब वही चेक जो हमारा क्लियर हुआ है वो 8 जुलाई को हुआ है, पेड सैलरी 20,000 रुपीज, ठीक है।
तो 8 जुलाई को हुआ है तो यहाँ पर डेट डाल देंगे, सही है, भी मैच कर गई। अब है 9 जुलाई को हमने एक चेक दिया है 217 नंबर का, कोई कंपनी को हमने पे कराया 5,000 रुपीज, ठीक है, तो ये चेक कब क्लियर हुआ है हमारा, 12 जुलाई को KEI को 5,000 रुपये, ठीक है, मैच हो गया। तो कब हुआ है ये, 12 जुलाई को, ठीक है। अब हमने 10 जुलाई को एक डिपॉजिट किया है चेक, हमें चेक मिला था किसी का BYPL से 125 125 नंबर का 10,000 का, तो हमने डिपॉजिट दिखा दिया अपनी कंपनी बुक में, डिपॉजिट हो गया है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, 12 जुलाई को एक चेक हुआ है 10,000 का डिपॉजिट हुआ है, ठीक है, ये भी मैच कर गया हमारा, ये कब का है हमारा, कब हुआ है क्लियर, 12 जुलाई को ही क्लियर हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद हमने पेटीएम के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कराया 1,000 रुपीज का, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, पेटीएम बिल कराया है इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,000 रुपीज का, ठीक है, तो ये मैच कर गया, कब का है हमारा, 13 जुलाई को, ठीक है, तो ये हमारा अभी तक सारे मैच मिल चुके हैं हमें। अब उसके बाद आता है, हमने डिपॉजिट कराया 14 जुलाई को, एक चेक हमें मिला था BYPL से ही 8,000 रुपये का, अब इसमें शो देखते हैं, अब देखिए इसमें चेक नहीं आया अभी तक, ठीक है, हमने रिसीव कर लिया बट वो अभी तक बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है, ठीक है। एक ये हो गई, एक है हमारी, हमने चेक दिया है KEI को 5,000 रुपये का, 15 जुलाई को ही काटा है, तो ये भी अभी हमारे डिस्प्ले नहीं करा। देखिए दो एंट्री हमें मिल चुकी है जो हमारी अभी बैंक में मैच नहीं हो रही है बैंक बैलेंस से, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर हमें इतनी एंट्रियाँ तो मिल चुकी थी, ठीक है। अब ये इसमें एंट्री हमारी, इंटरेस्ट मिला है 500 रुपये का, देखिए इंटरेस्ट मिला है तो इंटरेस्ट तो डायरेक्टली हमारे बैंक बैलेंस में क्रेडिट होता है, ठीक है, और उसके साथ हमारे बैंक चार्ज भी कटे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारे डायरेक्टली आते हैं तो हमारे को पता नहीं है, हमने इसलिए कैशबुक में एंट्री नहीं करी, तो हम इनको क्या करेंगे, इनकी एंट्री हमें करनी पड़ेगी, तो हम इन्हें यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ इन्हें पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला हमारा नीचे कॉपी कर दिया है मैंने, तो ये दो ट्रांजेक्शन हमने अपनी यहाँ पर कॉपी कर लिए, ठीक है, तो ये दो ट्रांजेक्शन कब की हमारी, 13 जुलाई की है और हमारी 14 जुलाई की, तो हमने यहाँ पर 14 जुलाई, ये सारा कंप्लीट हो चुका है, साइड ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पर एंटर कर दी है अपनी कैशबुक में। अब ये दो ट्रांजेक्शन नहीं मिल रही है जिनकी वजह से अभी हमारा बैलेंस मैच नहीं है, तो इनको हम चेक कर लेते हैं कि इस बैलेंस में प्लस करेंगे जो हमारा डिपॉजिट है, तो डिपॉजिट हमारा 8,000 रुपये और माइनस कर देंगे जो हमारा विड्रॉ है, हम मैच करेंगे कि इक्वल आ रहा है, देखिए इक्वल आ रहा है 31,500 31,500, दैट मीन्स हमारी बैलेंस मैच कर चुका है हमारी कैशबुक और बैंक स्टेटमेंट का। तो इस तरह से हम बैंक रिकंसिलेशन एक्सेल में करते हैं, इसके एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं एक फॉर्म के थ्रू आपको सिखाऊंगा एक सेल सॉफ्टवेयर के थ्रू कि बैंक रिकंसिलेशन किस तरह से करते हैं। तो मुझे आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।